हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं नेवी के लिए बनाए जा रहे TEDBF के 4.5 जनरेशन से 5th जनरेशन तक के ट्रांजिशन के बारे में। हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि MiG-29 के फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए ADA द्वारा TEDBF का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि एक 4.5 जनरेशन वाला सेमी स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। लेकिन अब प्लान ऐसा किया जा रहा है कि एमका की तरह ही नेवी के लिए भी बनाए जा रहे फाइटर जेट प्रोग्राम को एक्सटेंड किया जाए और TEDBF का भी MK2 वर्जन बनाया जाए, जिसे 2035 तक इनकॉर्पोरेट किया जाए। और ये जो TEDBF MK2 फाइटर जेट होगा वो 5th जनरेशन ट्विन इंजन वाला फाइटर जेट होगा, जिसकी टेक्नोलॉजी एमका के MK2 वर्जन से लिए जाएंगे और INS विशाल के ऊपर से इसे ऑपरेट किया जाएगा। इस वीडियो में हम TEDBF के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आप सब ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि तेजस MK2 और एमका जैसा प्रोग्राम होते हुए भी नेवी खुद का अलग फाइटर जेट क्यों चाहती है? वहीं अगर आप दूसरे कंट्री को देखेंगे तो वो पहले अपने एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट बनाते हैं और फिर उसमें चेंजेस करके नेवी के लिए बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप फ्रांस को देख सकते हैं। तो भारत में इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नेवी तेजस MK2 के नेवल वर्जन को क्यों सेलेक्ट नहीं किया था। साल 2019 में नेवी को तेजस MK2 का नेवल वर्जन ऑफर किया गया था, लेकिन नेवी ने तेजस MK2 और एमका दोनों के ही नेवल वर्जन को रिजेक्ट कर दिया। इसका रीजन ये है कि भारतीय नौसेना के पास जिस टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, उस पर से फाइटर जेट को ऑपरेट होने के लिए फाइटर जेट का थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1+ का होना चाहिए। वहीं फाइटर जेट का वेट उसके पेलोड के साथ कम से कम 30 टन से कम होना चाहिए। जबकि अगर तेजस MK2 का थ्रस्ट टू वेट रेशियो देखें तो ये एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है और इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1 से कम है, जिसके कारण ये फाइटर जेट शॉर्ट टेक ऑफ नहीं कर सकता है। वहीं एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट इसलिए सफिशियंट है क्योंकि एयरफोर्स के ग्राउंड स्ट्रिप लंबे होते हैं। इसके अलावा जो एमका है वो लगभग 30 टन का फाइटर जेट हो जाता है जब वो अपना फुल पेलोड कैरी करता है। साथ ही एमका का नेवल वर्जन एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो स्टेल्थ मोड में ऑपरेट होने के लिए 4 एयर टू एयर मिसाइल को अपने अंडरवे में कैरी करता है। लेकिन नेवी की रिक्वायरमेंट एक बार में 6 एयर टू एयर मिसाइल की होती है, जिसके लिए एमका को अपने बाहर के पायलट्स का यूज करना पड़ेगा और फिर से इसे नॉन स्टेल्थ मोड में ऑपरेट करना पड़ेगा। साथ ही नेवी की एक और रिक्वायरमेंट है जिसके कारण नेवल एमका 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हुए भी हमेशा नॉन स्टेल्थ मोड में ऑपरेट होगा, और वो रीजन है इंडियन ओशन रीजन, यानी कि IOR। IOR रीजन इतना बड़ा है कि नेवी अपने फाइटर जेट को एक लंबे टाइम तक, यानी कि लगभग 2 घंटे तक हवा में रखना चाहती है, जिसके लिए एमका को 2 एडिशनल पेलोड की जरूरत पड़ेगी। और फिर से बात वहीं आ जाती है कि ये एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट होते हुए भी इसे नॉन स्टेल्थ मोड में 4.5 जनरेशन की तरह ही यूज होना पड़ेगा। और यही रीजन है कि इसी वजह से यूएसए नेवी भी FA-18 को ज्यादा प्रीफर करती है F-35 के मुकाबले। साथ ही एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट का ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज्यादा होता है, लेकिन जब एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को 4.5 जनरेशन के मोड पे ही ऑपरेट करना है तो क्यों ना एक स्पेशली नेवल फाइटर जेट को ही डिजाइन कर दिया जाए। और इसीलिए नेवी TEDBF की तरफ गई, क्योंकि इसमें जाने वाला इंजन भी तेजस MK2 का ही इंजन है, लेकिन 2 इंजन होने की वजह से इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1+ का होगा। साथ ही ये फाइटर जेट अपनी फुल पेलोड कैपेसिटी के साथ 25 टन का होगा। इसके अलावा इस फाइटर जेट के फ्रंट सेक्शन को स्टेल्दी भी रखा गया है, मतलब कि ये फाइटर जेट एक ट्रू सेंस में नेवल फाइटर जेट होगा। और 6 एयर टू एयर मिसाइल में 2 अस्त्रा MK1, 2 अस्त्रा MK2, 1 अस्त्रा MK3 और 1 अस्त्रा IR को कैरी करेगा। साथ ही ब्रह्मोस NG से भी लैस होगा, जो किसी भी शिप को IOR रीजन में डुबोने के लिए काफी है। और जब एक बार इस टाइप के 4.5 सेमी स्टेल्थ नेवल फाइटर जेट के ऊपर मैच्योरिटी हासिल हो जाती है, तब नेवी ADA से एक 5th जनरेशन का TEDBF चाहती है जो प्रोबेबली 6 एयर टू एयर मिसाइल को अपने वेपन वे में कैरी कर सके। लेकिन इस वक्त नेवी के लिए TEDBF ही बेस्ट फाइटर जेट है। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों को मिलाकर लगभग 70-80 फाइटर जेट ऑपरेट होंगे, और अभी नेवी के पास 45 के नंबर में MiG-29 है जिसे TEDBF रिप्लेस करेगा, और 26 के नंबर में रफाल M और FA-18 सुपर हॉर्नेट में से कोई एक भी सेलेक्ट होने वाला है जिसे TEDBF का MK2 वर्जन रिप्लेस करेगा। वहीं एडिशनल फाइटर जेट के रिक्वायरमेंट भी MK2 वर्जन से ही फुलफिल किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।